हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल द अपेक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज हम राजनीतिक शास्त्र की एक टेस्ट सीरीज लेकर फिर हाजिर हुए हैं। आपने पहले वाली टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो वो देख लेना। हमने लगभग सभी सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दी है। और एक दोस्तों देखो, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि जो अपनी ये जो PDF है ये धुंधली है। नहीं दोस्तों, वो क्या होता है कि नेट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना, तो वो कभी कभी दिखाई देती है। तो ऐसे सिस्टम बनता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे से ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी। हम थोड़े से और इनको कम उसमें कर देंगे, जिसके बाद नहीं बढ़िया बनेगी वीडियो। तो आप देखना, इनको टेस्ट सीरीज लगा के देखे करो, नंबर बताया करो दोस्तों। देखो शुरू करते हैं आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है कि स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, यानी जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसका निर्माण कब हुआ दोस्तों। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1935, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 27 सितंबर 1925 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है, RSS की स्थापना कब हुई थी, तो वो इसका आंसर दोस्तों 27 सितंबर 1925 में, 27 सितंबर 1925 में RSS की स्थापना हुई थी दोस्तों, RSS। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है ये एक। ठीक है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में, और इसकी जो संस्थापक थे वो हेडगेयर इसके संस्थापक थे दोस्तों, ध्यान रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 6 अप्रैल 1980, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन है अन्य। तो इसका आंसर जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। तो देखो इसकी जो अब इसका जो आंसर दोस्तों वो है 6 अप्रैल 1980 को BJP की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, BJP की स्थापना हुई थी, जो भारत में दो सबसे बड़ी पार्टी, एक तो BJP और एक कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना पूछ ले तो कांग्रेस की स्थापना 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना, इन दोनों दो बड़ी पार्टी है। अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात कर ले तो 8 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला विधि और न्याय यानी लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन है या कौन था, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन है अशोक कुमार सेन, बी ऑप्शन है हंस राज खन्ना, सी ऑप्शन है भीम राव रामजी अम्बेडकर और डी ऑप्शन है अन्य। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो जो B.R. अंबेडकर थे वो थे भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछ ले रक्षा मंत्री कौन थे पहले, तो रक्षा मंत्री थे दोस्तों बलदेव सिंह थे पहले रक्षा मंत्री दोस्तों, ध्यान रखना इसके बारे में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015, बी ऑप्शन है 9 दिसंबर 2014, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 2015। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान मिशन, तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है आपने लिख लिया होगा, तो इसका आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, जो गांधी जयंती के उपलक्ष में पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का एक मिशन अभियान शुरू हुआ था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों। ए ऑप्शन है WC बनर्जी, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है वो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन अगर पूछ ले भाई राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वो थे दोस्तों ए ओ ह्यूम थे कांग्रेस के संस्थापक
तो पूछ लेता है दोस्तों। तो एक बार आपने यदि लाइक का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से लाइक का बटन एक बार प्लीज़ जल्दी से दबा दें, हम वेट कर रहे हैं आपका। प्लीज़ दोस्तों एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि जल्द हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। दबा दो भाई, दबा दो। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी जो वयोवृद्ध पुलिस पुरुष बोलते हैं उसको किसको कहा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन, ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों। ग्रैंड ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध पुरुष बोलते हैं जिसको, तो इसका आंसर आपने अपनी कमेंट बॉक्स में या कॉपी में लिख दिया होगा, तो वो है दोस्तों दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना पहला आंदोलन कहाँ आरंभ किया था? तो ए ऑप्शन है बर्मा, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है थाईलैंड और डी ऑप्शन है सिंगापुर में। तो इसका आंसर जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में या कॉपी में जल्दी से लिख के दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था, किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 1897 में। 1897 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े हुए थे? ए ऑप्शन है सरदार पटेल, बी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी। जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह, जो दांडी मार्च यात्रा बोलते हैं उसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं दोस्तों, उसने क्या किया था? सरोजनी नायडू ने महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। और इसने इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 79 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। पूछ लेते हैं इसके बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक बार सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? ए ऑप्शन है कृषक प्रजा पार्टी, बी ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सी ऑप्शन है स्वराज पार्टी और डी ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, जैसे ही उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन से इस्तीफा दिया था। और वो फिर उन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की एक पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? ए ऑप्शन है शाहनवाज खान, बी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन है डब्ल्यू सी बनर्जी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों शाहनवाज खान। शाहनवाज खान थे जो आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे। और वैसे भी देख लो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, डब्ल्यू सी बनर्जी, इनका कोई संबंध नहीं था आज़ाद हिंद फौज से। तो याद रखना, जो शाहनवाज खान थे वो प्रमुख अधिकारी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई फोर्ट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ये ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन है लॉर्ड क्रिप्स या क्रिप्स। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो, इसका आंसर है लॉर्ड
कर्जन आएगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने फुर डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, यानी क्या किया था इन्होंने कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डाला था, राज्यों राज्यों के बीच में फूट डाला था और उनको अलग अलग करके फिर उनके ऊपर राज करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने यह नीति अपनाई थी। उसके बाद अंग्रेजों सभी अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी। तो फेमस है दोस्तों ये फूट डालो और राज करो की नीति, पूछ जाती है कई बार एग्जामों में, ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लेता है कई बार। अगला क्वेश्चन है भाई, 1935 के भारत शासन भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि जो 1935 के भारत सरकार का जो अधिनियम है वो किसके निर्णय से संबंधित है। ए ऑप्शन है प्रांतों में उद्योग, बी ऑप्शन है प्रौढ़ मतदान, सी ऑप्शन है प्रांतीय स्वशासन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है प्रांतीय स्वशासन, यानी प्रांतीय जो स्वशासन है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जोड़ा गया है दोस्तों। जो 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अपना जो वर्तमान में जो संविधान है ना, इस संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए हैं, तो 250 अनुच्छेद लिए गए दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत लिए गए हैं उनसे, तो ध्यान रखना इसके बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है, कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ए ऑप्शन है जनसंख्या नियोजन, बी ऑप्शन है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, सी ऑप्शन है आर्थिक कर, डी ऑप्शन है राजकोष। तो इसका आंसर जल्दी से बताएं दोस्तों। तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन, ये दोनों ही इसके आंसर, ये बी ऑप्शन है ये इसका आंसर आएगा दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके बारे में पूछ लेता है, ये इम्पोर्टेंट है। और याद रखना दोस्तों जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन का जो प्रतीक चिन्ह है वो लाल त्रिकोण है दोस्तों, लाल त्रिकोण, अपना नीला त्रिकोण दिखा रहे हैं लेकिन लाल त्रिकोण कर देते हैं एक बार इसको, एक बार देखो दोस्तों लाल त्रिकोण, ऐसा लाल त्रिकोण है आपने देखा होगा कई बार, ये क्या है, तो ये है दोस्तों परिवार नियोजन का एक प्रतीक चिन्ह है। पूछ लेते हैं, बहुत अधिक बार क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ए ऑप्शन है सुनंदना भंडारी, बी ऑप्शन है इंदिरा जयसिंह, सी ऑप्शन है फतिमा बीबी, डी ऑप्शन है लीला सेठ। तो बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो फातिमा बीबी थी जो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला थी, ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लेता है। अब देखो जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है उसकी आज तक कोई भी महिला सीजीआई नहीं बनी है, चीफ जस्टिस नहीं बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी महिला नहीं बनी है। तो पूछी जाती है फातिमा बीबी है वो महिला न्यायाधीश थी न कि मुख्य न्यायाधीश, तो याद रखना, पूछ लेता है इसके बारे में, आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है दोस्तों। उसके बाद अगला है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है लोकसभा के द्वारा। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर है वो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो प्रधानमंत्री है। एक बात का ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। पूछी जाती है दोस्तों, ये कई बार इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है इनके बारे में। तो और ऐसी कोई भी पद हो जिसकी नियुक्ति पूछी जाए, तो अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है वो तो ठीक है, अगर नहीं पता है, अगर तुक्का मारना है तो दोस्तों राष्ट्रपति पर तुक्का मारना, लगभग 90% वो ठीक होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा कब भंग होती है।
ए ऑप्शन है 4 साल में, बी ऑप्शन है 6 साल में, सी ऑप्शन है संकटकाल में, या डी ऑप्शन है कभी नहीं। तो ये देखो दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कभी नहीं, कभी भंग नहीं होती। जो राज्यसभा है हमारी वो कभी भंग नहीं होती, लेकिन जो इसके सदस्य हैं, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 3 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसके बारे में पूछ लेता है आगे। अभी भारतीय संविधान मौलिक द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार? भारत के वैश्विक नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को? तो जल्दी से इसका आंसर अपने कॉपी में लिखे दोस्तों। तो देखो, ये जो मौलिक अधिकार है वो समस्त देशवासियों को, न कि वैश्विक को, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार नहीं, जो समस्त नागरिक है, समस्त देशवासी है, उन सभी के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ए ऑप्शन है धर्म विरोधी राष्ट्र, बी ऑप्शन है धर्म विरहित राष्ट्र, सी ऑप्शन है अधार्मिक राष्ट्र, डी ऑप्शन है धार्मिक राष्ट्र। तो जल्दी से ये बताएं दोस्तों कि धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से अपने कमेंट में या कॉपी में जल्दी से लिखें। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों धर्म में विरहित राष्ट्र। धर्म विरहित राष्ट्र यानी इसमें कोई भी धर्म को मान्यता नहीं देते, सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया जाता है। दोस्तों पूछ लेता है कई बार ऐसे क्वेश्चन, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में कोई मतभेद न हो, समाज में भेदभाव न हो। तो जल्दी से दोस्तों आंसर सोचो इसका कि सामाजिक समता का मतलब क्या है। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो समाज में भेदभाव न हो, समाज में भेदभाव न हो सामाजिक समानता का मतलब होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों के घोषणा पत्र स्वीकार किए थे? यानी कौन से दिन मानव अधिकार के घोषणा पत्र स्वीकार किए थे? तो वो 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1948 में। जल्दी से इसका आंसर बताओ दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। तो वो है दोस्तों 1948 को यूएनओ ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया था, इसलिए फिर 10 दिसंबर 1948 से ही, या 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। दोस्तों तो ध्यान रखना, इसके बारे में पूछ लेता है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? ए यूनेस्को, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी खाद्य एवं कृषि संगठन। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका आंसर। दोस्तों ध्यान रखना इसके बारे में। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन नियोजन मंत्री, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री होता था योजना आयोग का अध्यक्ष। तो याद रखना दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता था, और योजना आयोग के नाम पर ही अब यानी के स्थान पर कौन आ गया है? नीति आयोग आ गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? यानी वह कौन सी समिति है जिसका अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष होता है? एक ऑप्शन है नियम समिति, बी ऑप्शन है लोकलेखा समिति, सी ऑप्शन है विशेषाधिकार समिति, डी ऑप्शन है प्राकलन समिति। जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नियम समिति। नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष होता है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति देश में आपातकाल स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श
प्राप्त करने के बाद ही करता है। यानी जो देश में जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है ना, वो किसके लिखित परामर्श पर ही लगाता है? ए ऑप्शन है संघीय मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, या डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा संघीय मंत्रिमंडल। संघीय मंत्रिमंडल के परामर्श, लिखित परामर्श वो लिख कर देंगे, तब ही जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल लगाता है दोस्तों। अगला है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता है। ए ऑप्शन जाति और धर्म, बी ऑप्शन क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, सी ऑप्शन राष्ट्रीय हित और धर्म, डी ऑप्शन है जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा, जो अपने भारतीय राजनीति व्यवस्था है इसकी विशेषता है दोस्तों जाति धर्म और राष्ट्रीय हित दोस्तों। तो देखो दोस्तों, जल्दी से अपने इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, जल्दी से एक बार शेयर कर दें। जो भी आपको कितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उन सभी में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये एक बार शेयर करके, यदि आप चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। एक बढ़िया सी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और साइंस के लिए सिलेबस और टेस्ट सीरीज के लिए अपने दाप एक्स क्लासेज को जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।